For more videos on people's struggles, please subscribe to our YouTube channel. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हमारे किसान महिला के नाते जो भी अधिकार हैं उनको पहचानने का, उनको स्थापित करने का और उन्हें किसान आंदोलन की मुख्य धारा का हिस्सा बनाने का तथा सरकार से पूरा करवाने का संकल्प का दिन है ये। ये जड़ा साडा 8 मार्च का जो महिला दिवस असीं मना रहे अंतर्राष्ट्रीय, असीं इस दे विच मोदी जी नूं दसना चाहुंदे कि मोदी जी ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਹਮ ਇਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ 50% ਹੈ ਔਰ ਜਬ ਵੀ ਕਭੀ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਤੋ ਅਗਰ ਉਸਕਾ 50% ਘਰੋਂ ਮੇਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੋ ਵੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੈਸੇ ਜੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। हम इस मौके पे सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द ये 3 काले कानून जो हैं इनको रद्द करे, MSP का कानून बनाए, बिजली जो बिल है उसको वापस ले और उसके बाद अगर जरा सी भी अकल है इनके पास तो पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाना चाहिए जिसमें खेती बाड़ी जिसको हमारे रीढ़ की हड्डी कहते हैं वो अगर रीढ़ की हड्डी हिली हुई है तो इसका मतलब देश का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो उस रीढ़ की हड्डी को सही चलाने के लिए थ्रेडबेयर चर्चा होनी चाहिए। सब तो वध जे कोई है तो औरतां किसान ने। खेती च साडी इकोनॉमी च तां खेती च औरतां दा पूरा योगदान है, सारा तां हाउस होल्ड दा वर्क है जिहदे सिर ते खेती दा कम चलदा है। दूजा ओह खेतां च वी कम करदियां ने, खेत मजदूर औरतां ने ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ। ਮਹਿਲਾਏ ਦੇਖੋ, ਮਹਿਲਾਏ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪਰ ਪੜੀ ਹੈ ਪੜਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਖੁਦ ਰਾਤ ਕੋ ਪਾਣੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਸੱਪੋ ਕੀ ਸਰੀ ਮਿੱਧ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਖੇਤੋਂ ਮੇਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ इस मजदूरी का कुछ नहीं हमारे को मिल रहा। हम ये चाहते हैं कि उस पार्लियामेंट के अंदर महिला जो 70% काम करती है खेती बाड़ी का, लेकिन आज तक उनको केवल 13% की एंटाइटलमेंट है। उनको जितनी भी ये जो कल्याणकारी योजनाएं हैं किसानों के लिए, क्योंकि उनके पास एंटाइटलमेंट नहीं है इसलिए उनका लाभ नहीं मिल पाता। एक तो हम इनके साथ आंदोलन करते हैं, क्रांतिकारी हैं, हर तरह के आंदोलनों में इनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देते, फिर भी घर में जाकर के हम खेतों में जाकर के इनसे डबल काम करना पड़ता है हम लोगों को और हमको फिर भी निचला स्तर देखना पड़ता है। मैं मांग करती हूँ इस सरकार से, इन लोगों से, खासकर समाज से, उन किसान लोगों से हमको बराबर का दर्जा दें, हम बराबर के किसान हैं। हम जहाँ एक तरफ किसान आंदोलन के तमाम मुद्दों का समर्थन करते हैं वही ये मांग करते हैं कि महिला किसानों के, खेत मजदूर महिलाओं के, दूसरे जो तबके हैं इस जनता के, गरीब जो लोग हैं उन सब के अधिकारों को खाद्य सुरक्षा के साथ जोड़कर देखते हुए ये 3 काले कानून जो हैं वो रद्द करने चाहिए। सानू महिला नू जेड़े पैर दी जुत्ती समझदे थी सानू लिया के बरोबर खड़ा करता, पुरुषां ने बरोबर हक देता, असीं नहीं चुल्हे तक सीमित, सानू जो पुरुष दादे दी गल असीं मानदे सी
ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਇਨ ਸਟੇਜਿਸ ਕੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਲਾਓਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਪਹਿਚਾਨ ਜੋ ਹੈ ਔਰ ਤਮਾਮ ਜੋ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਏ ਉਨਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇ ਲੀਏ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਆਰਟੀਕੁਲੇਸ਼ਨ ਪੇ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। तो ये एक सकारात्मक कदम है और हमें ये लगता है कि सफलताओं के रास्ते जो है, महिला समानता की सफलताओं के रास्ते इन्हीं मोड़ों से होकर जो है अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। सारे भारत दीबिया का जिंदाबाद, सारे भारत